प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाने में तैनात दरोगा राजेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। तिलक समारोह में मंच पर बार बाला के साथ ठुमके लगाते हुए इनका वीडियो वायरल होने के बाद यह एक्शन लिया गया है। जांच में पता चला है कि सिपाही के तिलक में दरोगा बिना छुट्टी लिए पहुंच गए थे और डांसरों संग जमकर ठुमके लगाए। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो SP ने जांच बिठा दी। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए दरोगा जी कैसे झूम झूम कर डांसर्स के साथ नाचे। सांगीपुर थाने में तैनात एक सिपाही का घर गाजीपुर में है। बुधवार को सिपाही का तिलक था। तिलक में सांगीपुर थाने में तैनात दरोगा राजेश यादव भी पहुंच गए। बताया जाता है कि समारोह में डांसर्स के साथ दरोगा जी ने खूब ठुमके लगाए। गुरुवार को दरोगा के डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया और खूब वायरल हुआ। बात SP सतपाल अंतिल तक पहुंची। उन्होंने फटाफट मामले पर संज्ञान लिया और CO लालगंज राम सूरत सोनकर को जांच करने को कहा। CO की प्राथमिक जांच की रिपोर्ट आई, जिसमें पता चला कि दरोगा ने ना तो छुट्टी ली थी ना ही अनुमति ली थी और बिना छुट्टी और अनुमति के वो समारोह में गए थे। ये पता चलते ही SP ने दरोगा को फटाफट सस्पेंड कर दिया और CO लालगंज को विस्तृत जांच करने को कहा है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कितने लोग गाजीपुर तिलक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जिसके बाद से थाने के अन्य पुलिस कर्मियों की जान भी आफत में आ गई है। CO लालगंज से जांच का विस्तृत विवरण मांगा गया है, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दरोगा की इस हरकत ने पुलिस विभाग की छवि खराब की है। वीडियो वायरल होने से गलत संदेश गया है। पुलिस को अपनी वर्दी का मान और गरिमा बनाकर रखना होता है। मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है ताकि इस तरह की हरकतें फिर ना हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।